राजस्थान के अंदर लगातार पेपर लीक के मामले सामने आए थे, और वहीं अब JEE पेपर लीक को लेकर के आज SOG की टीम ने 3 जिलों के अंदर दबिश दी। कई ठिकानों के ऊपर एक साथ टीम ने दबिश दी है, और इसमें एक बाबा का भी ठिकाना है जहां पर बाबा के आश्रम के अंदर भी पुलिस पहुंचती हुई नजर आई है दौसा जिले में। क्या यह मामला है, किस किस के अंदर अभी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस मामले में, और आज की जो रेड थी इसमें क्या कुछ खुलकर के सामने आया, इन सभी की तमाम जानकारियां दिखाएंगे हमारी ये रिपोर्ट में। JEE भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार दो मुख्य आरोपियों के जयपुर, दौसा और भरतपुर में 14 से ज्यादा ठिकानों पर गुरुवार सुबह SOG की टीम ने दबिश दी है। इसमें पेपर लीक के मास्टरमाइंड हर्षवर्धन कुमार मीणा की दौसा, महवा और जयपुर, भरतपुर से 7 से ज्यादा ठिकाने इसमें शामिल हैं। स्कूल टीचर राजेंद्र कुमार यादव के आवास सहित उसके साथी के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। दौसा के अंदर बात करें तो वहां पर एक बाबा के आश्रम में 4 घंटे कार्रवाई चली, 1 दर्जन आरक्षण शीट बरामद की गई। टीम ने इसे जब्त करते हुए आश्रम को सील भी कर दिया। टीम यहां से भरतपुर गई। JEE पेपर लीक मामले में SOG की टीम ने भरतपुर में हर्षवर्धन के ससुराल में छानबीन भी की, और इसके बाद SOG की टीम जयपुर पहुंची। SOG के DSP शिव कुमार भारद्वाज ने बताया कि ATS और SOG के एडिशनल DG VK सिंह के निर्देश पर नकल प्रकरण में पकड़े गए आरोपियों के आवास और ठिकानों पर एक साथ रेड का प्लान था। इसके बाद में टीम आरोपी के ससुराल मिल करके पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इसके लिए कोर्ट से पहले ही सर्च वारंट भी लिया गया था। पूछताछ करने पर पता लगा कि हर्षवर्धन कुमार मीणा के ससुराल वाले भरतपुर शहर के जसवंत नगर कॉलोनी में रहते हैं, जिसके बाद में SOG की टीम जसवंत नगर पहुंची। वहां से हर्षवर्धन कुमार मीणा के साले मनोज कुमार मीणा को अपने साथ लेकर के मिलकपुर गांव में आई, और SOG की टीम ने घर में तलाशी ली और कुछ आपत्तिजनक कागजों को जब्त भी किया।